काजू कतली गुलाब जामुन और लड्डू बिखरे पड़े होते हैं एक दो धक्के में। और रसगुल्ली वो तो चाशनी भर भर के रोती है सफर के नाम पे। हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे और चल देंगे। #nomadlife किसको सुबह सुबह पंखे साफ करने का भूत चढ़ पड़ा है? ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। अच्छा, मुझे लगा ही था इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर। तभी तो ये कमला घेस घेस कर बर्तन चमका रही है, सब लोग मिलकर घर को हॉलिडे होमवर्क की तरह सजा रहे हैं, और वो देखो विरासत में मिली डायबिटीज, इन लोगों की एनुअल मिठाई मीटिंग जो चल रही है, और चले भी क्यों ना, दिवाली जो आ रही है। अब हम जैसी मामूली सोन पापड़ी को कौन ही बुलाता है। खैर मेरे लिए क्या होली क्या दिवाली, कहानी घर घर की का एपिसोड बनकर रह गई हूँ। अगर किस्मत कम बुरी हुई तो किसी घर में साइड में पड़ी रंगली चल करते हुए घर जमाई की तरह, और अगर थोड़ी ज्यादा बुरी हुई तो किसी मनहूस की नजर पड़ जाएगी। पर उससे भी क्या फर्क पड़ता है, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे और चल देंगे। #nomadlife और ऊपर से ये कमीनी काजू कतली और साली रसगुल्ली मेरे पीछे सास और सौतन की तरह पड़े रहती हैं। मतलब जिस घर में भी ये आते हैं ना, वहीं से मेरा तबादला हो जाता है हर त्योहार के त्योहार। पर मैं इन्हें भी क्या ब्लेम करूं, लोग भी तो बावले हुए फिर के पीछे, एक है कि चांदी में लिपटी फिरती है और दूसरी चाशनी में। मेरे मांग का भरा पिस्ता नहीं दिखता इनको, 1400 रुपए किलो है वो, क्या पिस्ता। मतलब मेरे भी कुछ अरमान है कि कभी कोई मेरा घूंघट उठाए और बस टूट पड़े, और ज्यादा नहीं तो कोई प्यार की नजर से ही देख ले। पर मैं तो डब्बे में पड़े पड़े ही अपनी सारी मिठास खो चुकी हूँ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। वो सारा 2 कौड़ी का लड्डू मुझे कह रहा है ब्रेकअप के टाइम पे कि यू आर नॉट द सेम एनीमोर, तुम टॉक्सिक हो गई हो। अच्छा बच्चू, कभी डब्बे में ना एक्सपायरी डेट तक पड़े रहकर देख, तुझे पता चलेगा मेरा दर्द क्या है। खुद की फफूंदियां तो संभालने जा रही, बड़ा आया यू आर टॉक्सिक। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे दफा करो उस लड्डू को, दिखा दो मुझ जैसा वांडरलस्ट कहीं बीकानेर से लेके अग्रवाल की दुकान तक। भाई साहब चाहे ट्रेन में ले जाओ चाहे शेयर्ड ऑटो में, मजा ले कि मेरा एक रेशा भी हिल जाए। अरे काजू कतली गुलाब जामुन और लड्डू बिखरे पड़े होते हैं एक दो धक्के में, और रसगुल्ली वो तो चाशनी भर भर के रोती है सफर के नाम पे, और मुझे आई डोंट गिव अ फक, ये आफ्टर ऑल इधर उधर के सफर में सफर ही तो करना है मुझे। अब चलो मैं अंडरस्टैंडिंग हो भी जाऊं तो इस दुनिया में भला कौन ही अपनाएगा मुझे। पर इस धिक्कारने वाली दुनिया में हैं कुछ मेरे भी आशिक, वो तो भला हो उन भंड लौंडों का दिवाली पार्टीज में, जिन्होंने आज भी मेरी इज्जत और आबरू बचा रखी है। वरना इन लोगों ने तो सरकारी दफ्तर की फाइलों की तरह इधर उधर पासम पास कर रखा था मुझे। जबान पे रख कर तो देखो, बिमल से भी गहरा असर है मेरा, जबान पे रखते ही पिघल जाऊंगी। हाँ माना मुझे आए दिन हेयर फॉल हुआ रहता है, पर कमी किस मिठाई में नहीं है। गुलाब जामुन को देख लो, वो तो टकला है। लड्डू उसके तो अभी तक ब्यूबेडी के पिंपल फूट रहे हैं। काजू कतली भाई साहब इतनी महंगी है कि पूरा का पूरा हिसाब गड़बड़ा जाता है। मोदक तो आज तक मोमो से अपने पहचान पत्र के लिए लड़ रहा है। पेठे को देखा है आपने, वो तो छुपता फिर रहा है कि कहीं कोई नाई उसे फिटकरी समझ के गर्दन पे ना रगड़ दे। इतनी डाइवर्सिटी और इस मिक्स मिठाई के डब्बे में मुझे रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल पा रही? चीटिंग 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 करता है तू। और ये साला बत्तीसा किसने नाम रख दिया मेरा, तुम्हें कौन सी मेरी बत्तीसी दिख गई? कहाँ रख दिया यार ये सोन पापड़ी का डब्बा, मिल गया। नहीं नहीं एक्सपायर नहीं लगता है, पिछले साल ही तो मिला है हमें। बस 2 गिफ्ट आप मारने पड़ेंगे, बाकी सब ठीक है। हाँ हाँ लारो लारो, आया आया। Hey guys, if you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to Her Zindagi, and हमें comment section में बताओ कि आपकी favorite दिवाली मिठाई कौन सी है।